हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, सबसे पहले सलाम उन सब लोगों को जो इस मुश्किल के समय में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन दिलवा के, चाहे वो प्लाज्मा डोनेट करके, चाहे मेडिसिन अरेंज करके या हॉस्पिटल में बेड अरेंज करवा के। आप जिस टाइप की भी हेल्प कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड की लड़ाई हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करके ही जीतनी है। और इसके लिए अ बिग सल्यूट टू एवरीवन जो हेल्प कर रहे हैं, और लानत उनके जिन्होंने अपने घर भरे हुए हैं और काला बाजारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, किसी तरीके की। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो ऊपर वाला है वो बताएगा कि कालाबाजारी असली होती क्या है। तो आज का हमारा वीडियो है नॉन वेज प्लेटर स्पेशल। जी हाँ, ये एक प्लेटर मैंने मंगवाया है बिरयानी बाय किलो से, नॉन वेज प्लेटर, और ये मंगवाया है बारबेक्यू नेशन से। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा बढ़िया टेस्टी है। तो दोनों प्लेटर हमारे टेबल पे सज गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बिरयानी बाय किलो के प्लेटर का रेट दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, इस पे 702 रुपये। जी हाँ, 702 रुपये का ये प्लेटर है। ये एक जैसे पिज़्ज़ा सर्व होता है ऐसा पिज़्ज़ा जितना बॉक्स है, और साथ में इसमें दो ड्रिंक्स भी हैं, इमली अदरक वाली। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई कुछ ड्रिंक्स भी इसके साथ सर्व हुई हैं और पैकिंग अच्छी, बोतल में सील्ड पैक बढ़िया से। ये था बिरयानी बाय किलो का, और बराबर में है बारबेक्यू नेशन का, और इसकी प्राइस ये देखिए 455 रुपये का। ये दोनों प्लेटर मैंने जोमेटो से ऑर्डर किए हैं, और ये जो प्राइसिंग दिखाई है ये इसके साथ इनवॉइस आए हैं। और बारबेक्यू नेशन का एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें चम्मच उम्मच हैं, और ये पैकिंग आई है स्नैक्स की। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं बिरयानी बाय किलो को। तो लीजिए, पेश है बिरयानी बाय किलो का ये प्लेटर, सीख कबाब, बीटरूट टिक्का, फिश गलावटी, और ये एक इनकी डिप है स्पाइसी प्याज, और ये चटनी, और साथ में जो दो ड्रिंक दिखाए थे, दो बोतल इसके। तो लीजिए, पेश है अब बारबेक्यू नेशन का प्लेटर। इसमें ये टंगड़ी है, ये विंग्स, प्याज चटनी, चिली चिकन, ये फिश प्रॉन्स, और साथ में गुलाब जामुन। तो दोनों प्लेटर मैंने गरम कर लिए हैं और अपनी प्लेट में सजा लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल गर्मा गर्म प्लेट में सजा लिया गया है। ये देखिए, और ये थी बिरयानी बाय किलो की प्लेट, और ये टंगड़ी वाली प्लेट है बारबेक्यू नेशन की। तो फूड का सबसे पहला जो इम्प्रेशन है, ये देखिए, जो बिरयानी बाय किलो का स्नैक्स हैं ये काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन का ऐसा लग रहा है काफ़ी देर पहले के बने हैं और उसको बस पैक करके दे दिया गया है। बिरयानी बाय किलो का थोड़ा बेटर लग रहा है और काफ़ी जूसी भी लग रहा है, फ्रेश काफ़ी, मतलब देखने में काफ़ी लाजवाब लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बारबेक्यू नेशन। तो सबसे पहले बिरयानी बाय किलो के प्लेटर से शुरू करते हैं, और सबसे पहले ट्राई करते हैं इनके सीख। जी हाँ, सीख कबाब। ये देखिए, दिख रही है, और ये काफ़ी सॉफ्ट है, जूसी है, और ये देखिए, आ हा 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 हा,
थोड़ी सी चटनी के साथ देखते हैं, बिल्कुल माइल्ड से मसाले हैं, बिल्कुल जूसी सा चिकन है, माइल्ड मसाले और चटनी के साथ देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। मज़ा आ गया, सीख कबाब अच्छी है। अब इनकी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट है इनका गलावटी कबाब। जी हाँ, ये देखिए गलावटी कबाब, तवे के ऊपर मटन की तैयार की गई ये टिक्की जैसे, इसको देखते हैं ये कैसा है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, मुंह में रखते घुलने टाइप्स होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हार्ड रखा गया है, हल्का सा हार्ड है ये लेकिन ये देखिए, ओहो ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ हुआ, इसको ट्राई करते हैं बिना चटनी के। ये तो ऐसी चीज़ है, ज़ुबान पे रखो फिसल गई सीधी, बिल्कुल वैसे हैं ये गलावटी कबाब। तो ये काफ़ी अच्छा है और फुल ऑन फ्लेवर्स है, हल्का सा काली मिर्च का टेस्ट, दिस इज सुपर। और नेक्स्ट है फिश, ये देखिए सही है ना। अब देखिए ये ट्राई करते हैं। सौगी हो गई है क्योंकि पैक होके आई है, अगर फ्रेश होती तो बेटर टेस्ट होता, सौगी है लेकिन फ्लेवर अच्छा है इसका। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इनका टिक्का, जो उस डब्बे में सबसे शानदार लग रहा था, ये देखिए दिखाऊं, देखिए ये इनका टिक्का है, सी दिस लुक्स फैब। सबसे ज़्यादा डब्बे में यही चमक रहा था, सबसे शानदार यही लग रहा था। टेस्ट वाइज देखते हैं कि सबसे शानदार है कि नहीं। ओए इतना सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये टिक्का, बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए आराम से निकल गया, बहुत ही सॉफ्ट। बीट रूट का इसमें फ्लेवर है, हल्की सी किसी चीज़ की मिठास भी है, लेकिन ये टिक्का लाजवाब है। बिरयानी बाय किलो का तो हो गया है पास, अब बारी है बारबेक्यू नेशन की। तो बारबेक्यू नेशन की सबसे पहले टंगड़ी, जी हाँ रोस्टेड लेग, ये देखिए। इस रोस्टेड लेग को देख के बस एक कमी है जो मुझे महसूस हो रही है, होप इसका टेस्ट अच्छा हो। जो एक फीलिंग आती है ना भाई, फ्रेश है, मज़ा आ गया, आँखों को जो एकदम चमका देती है, ये वैसी नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं नॉन वेज के, तो आप देखते होंगे मैं कितनी शानदार लेग पीस ऐसे कैमरे पे क्लोज दिखाता हूँ, लेकिन आज मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा। ये वो वाली उस टाइप की टंगड़ी नहीं है, बट होप टेस्ट अच्छा हो, देखते हैं। जो ये टंगड़ी है काफ़ी ड्राई है और ऊपर मसाला तेज है, जो ऊपर मैरिनेशन की हुई है वो अच्छा एक तंदूरी फ्लेवर, एक अच्छा फ्लेवर दे रहा है, लेकिन जो अंदर है, जो जैसे कई बार होता है अंदर मैरिनेट करके अंदर तक रच जाता है फ्लेवर, वो वाली बात नहीं है, अंदर तक फ्लेवर रचा नहीं है, ऊपर ऊपर तंदूरी फ्लेवर है। और नेक्स्ट चीज़ है इनकी फिश, फिश ट्राई करते हैं। वाह, अजवाइन का हल्का हल्का टेस्ट
ऊपर मैरिनेट करके अजवाइन लगी हुई है, और ये एक अच्छा है, ये फ्राइड फिश है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बिरयानी बाय किलो वाली फ़िश से, तो उसके मसाले ज़रूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये खाने में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। माइल्ड है मसाले हैं, लेकिन ये अच्छी है। अब है चिली चिकन की बारी। जी हाँ, कोई भी पार्टी हो तो चिकन की जौन सी एक स्नैक होती है वो नहीं मिस की जाती, वो होता है चिली चिकन। तो ये चिली चिकन देखते हैं इसका। बहुत ही ज़्यादा सख्त है चिकन, और जो चिकन के ऊपर परत बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, जो चिकन के टेस्ट को ख़राब कर रही है। वो इतनी मोटी है कि सारा टेस्ट उसका है, चिकन का अपना टेस्ट आ ही नहीं रहा। और ये देखिए, ये इनका प्रॉन सर्व किया गया है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर इसको मैं बिरयानी बाय किलो से कंपेयर करूँ, फ्लेवर वाइज ये कहीं भी क्लोज नहीं है। टेस्ट वाइज, फ्लेवर वाइज, फ्रेशनेस वाइज ये कहीं भी बिरयानी बाय किलो के प्लेटर के आसपास नहीं है। प्लस इनका ये है कि इन्होंने देखो तंदूरी आइटम भी रखी है, विंग्स भी रखे हैं जो ऑल्सो तंदूरी है, तो चिली चिकन रखा है, फिश रखी है, प्रॉन्स रखी है, तो एक थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी को चिली चिकन पसंद है। उनका जैसे पूरा ही नॉर्थ इंडियन अवधी टाइप का बिरयानी बाय किलो का प्लेटर है, लेकिन इन्होंने थोड़ा चिली चिकन रख के थोड़ा चाइनीज़ भी रख दिया, प्रॉन भी रख दिया, तो एक काफ़ी वैरायटी आपको फ्लेवर्स में मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये टेस्ट में बिरयानी बाय किलो के आसपास भी नहीं आ रहा। इसका प्लस सिर्फ ये है, इसकी प्राइसिंग वाइज दिस इज़ परफेक्ट। अदरवाइज अगर आप टेस्ट देखेंगे तो ये बिरयानी बाय किलो के नज़दीक नहीं है। यहाँ पे बारबेक्यू नेशन को मेरी एक ही सजेशन है कि भाई देखो, बिरयानी बाय किलो अगर इतना फ्रेश सर्व कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। आप दोनों ब्रांड काफ़ी रेनाउन हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, बट अगर इन चीज़ों में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, टेस्ट माना टेस्ट यार, कोई चीज़ ज़्यादा टेस्टी है कोई कम है वो चलता है, बट जहाँ पे फ्रेशनेस का सवाल आ जाता है कि ये देखिए यार, जब वो इतनी बढ़िया तरीके से इतना फ्रेशली सर्व कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ हम सब फूडीज़ की ये आपको रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखो। आपके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अब लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, होम डिलीवरी प्रेफर करते हैं, तो प्लीज़ इस पे वर्क करिए। इसको एक हेल्दी क्रिटिज़म की तरह लेना और अपने को इम्प्रूव करिए। इसके जैसे फ्रेशली बहुत जूसी नॉन वेज स्नैक सर्व कर करके। तो आज हमें, मुझे यानी कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए बिरयानी बाय किलो का प्लेटर। इसकी बस क्वांटिटी कम है थोड़ी और रेट थोड़ा सा ज़्यादा है उस हिसाब से। अदरवाइज़ अगर आप टेस्ट देख रहे हैं पॉकेट अलाउ करती है, तो मैं ये कहूँगा आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। होप आपको हमारा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। आप और किन किन लोगों के बीच में, किन किन ब्रांड्स के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं, अपने सजेशंस, फीडबैक वीडियो के कमेंट्स में या मेरे कॉर्नर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपके सजेशन रिकमेंडेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल तो आप भाई सब्सक्राइब करते नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ यार, अब तो घर से काम कर रहे हैं, अब तो वैसे ही हम काफ़ी नेगेटिविटी है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरा अंदर सुकून आए कि भाई मैं कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ तो लोगों को पसंद आ रहा है, वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।